दोस्तों आज तारीख 27 अगस्त 2024 दिन मंगलवार का और आइए उत्तर प्रदेश के सभी मुख्य समाचार और यूपी की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर तो आपको बता दें, जन्माष्टमी को लेकर देश भर के अंदर धूमधाम से मनाया गया पर्व। गोरखपुर के अंदर स्वामी रामदेव संघ पहुंचे सीएम योगी, गोरखनाथ मंदिर में योग गुरु से की मुलाकात और कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में हुए शामिल। कानपुर में भी 108 चांदी की कलश से कान्हा का हुआ अभिषेक, गोविंद हरे से गूंज उठा इस्कॉन। जन्म के बाद 1008 व्यंजनों का भोग हुआ अर्पित। देश भर के अंदर छोटे बच्चों को राधा और कृष्णा यानी कि कान्हा की ड्रेस पहनाई गई। इतना ही नहीं, जेल के अंदर भी सजी श्री कृष्ण की झांकी और हजारों की तादाद में कैदी भी रहे उपवास पर। सीएम योगी बोले, थाने चौकी और जेल में होने वाला ये इकलौता कार्यक्रम यानी कि आयोजन है। मथुरा के अंदर तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर 1000 फीट ऊंचाई से ड्रोन नजारा आपको दिखाते हैं। स्क्रीन के ऊपर जगमगा उठा शहर, हर तरफ कान्हा के भक्त। 5000 से ज्यादा मंदिरों में जन्म लिया नंदलाला ने और इस मौके पर अतरौलिया में आरएसएस ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। जन्माष्टमी के मौके पर 40 यूनिट हुआ रक्तदान और देश भर के अंदर हुआ करीब 25000 करोड़ का कारोबार। बाजार में रही तेजी। वही देखिए, एक खबर ये भी है, कुशीनगर की पुलिस 30 सालों से नहीं मनाती है कृष्ण जन्माष्टमी। एसओ सहित 6 पुलिसकर्मी हुए थे इस दिन शहीद। जन्माष्टमी की रात पुलिस की डकैतों से हुई थी मुठभेड़ साल 1994 में। उसके बाद से कुशीनगर थाने में जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती है। वहीं खबर देखिए, चित्रकूट के अंदर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रक ड्राइवर्स को पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने सिपाही को किया निलंबित। हालांकि सिपाही का कहना है कि चालक ने नो एंट्री के नियमों का किया था उल्लंघन। और खबर है आगरा से, सीएम योगी बोले कि बटेंगे तो कटेंगे, ओवैसी का आया पलटवार, शेख हसीना की तरह गोलियां चलवाएंगे। अखिलेश ने कहा कि डबल इंजन कहीं दुबक गया क्या। ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। वैसे आपको बता दें, आगरा वासियों को भी जन्माष्टमी के मौके पर मिला यूपीएस का तोहफा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार दे रही है एकीकृत पेंशन योजना, आगरा रेल मंडल में होगी ये लागू। और खबर देखिए, अयोध्या में सीएम योगी के हिंदुत्व की एकता संबंधी बयान का हुआ स्वागत और अयोध्या के संत बोलेगी, हम अगर अब भी एकजुट नहीं हुए तो बांग्लादेश जैसी समस्याएं आती रहेगी। वहीं खबर देखिए, लखनऊ में चलेगा रोजगार अभियान, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा और रोजगार के मुद्दे से सरकार को घेरेंगे युवा और याद दिलाएंगे पीएम मोदी के वादे। और खबर है मऊ से, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले 3 लोग हुए गिरफ्तार। मऊ में 8 फर्जी आधार कार्ड और 3 एडमिट कार्ड भी हुए बरामद, जांच जारी है। वहीं प्रयागराज से खबर देखिए, एक जालसाज का दावा है कि 12 लाख में पुलिस परीक्षा पास करा देंगे, आप तो बस कुछ भी लिख के आ जाइए। इनका कहना है कि जितने सवाल आते हो उतने लिख देना, कॉपी ठीक कराकर नौकरी लगवा देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा करने वाले जालसाज को पुलिस ने प्रयागराज से किया गिरफ्तार। और संभल के अंदर सोलवर गैंग के भी 3 सदस्य हुए गिरफ्तार। एसपी बोले कि 5 लाख रुपए में पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र देने का दावा कर रहे थे ये लोग। इतना ही नहीं, मैनपुरी के अंदर भी पुलिस भर्ती परीक्षा में उम्र बदल कर पहुंचा युवक, आधार कार्ड और प्रवेश पर अलग अलग जन्म तिथि थी, ऐसे में आरोपी के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। आपको बता दें, भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन 70% अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा, 2 आरक्षी समेत 34 आरोपी हुए गिरफ्तार। और तो और, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में पीएसी का सिपाही निकला सोलवर, 7 जिलों में 14 लोग अरेस्ट। तीसरे दिन 284,000 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। वहीं खबर है हापुड़ से, पुलिस ने शिकायत लिखने के बदले मंगवाई जलेबी और बालूशाही यानी कि मिठाई। मोबाइल चोरी की शिकायत करने पहुंचे युवक से बोला कि मिठाई लेकर के आओ और 1 किलो से कम मत लाना। हालांकि मामले की जांच के बाद तुरंत होमगार्ड को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं खबर देखिए, बरेली के अंदर कृष्ण मंदिरों में जुटी भीड़, गौशालाओं में की गई गायों की पूजा। और खबर देखिए, यूपी T20 लीग को लेकर लखनऊ फाल्कन्स को 157 रन का मिला टारगेट। कानपुर के कप्तान समीर ने बनाए 89 रन। सीएम योगी ने क्रिकेटर रिंकू सिंह को दिया ऑटोग्राफ। वहीं खबर है लखनऊ से ही, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन काटे गए 1068 चालान। लखनऊ पुलिस ने शहर के विभिन्न चौराहों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर की कार्रवाई। और गोरखपुर वासियों के लिए बड़ी खबर है, दिल्ली के लिए चलेगी 2 स्पेशल ट्रेन। त्योहार पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लिया निर्णय। ट्रेनों का शेड्यूल आपको बता दें, 18 सितंबर से चलेगी जो 27 नवंबर तक चलेगी और दूसरी ट्रेन 19 सितंबर से 28 नवंबर तक चलेगी। वहीं लखनऊ से और खबर देखिए, न्यू गणेशगंज में हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैयालाल की एनिमेटेड और डिजिटल मूविंग झांकियां भक्तों को कर रही आकर्षित। आगरा के अंदर भी नंदलाल के जयकारों से गूंजा जगन्नाथ मंदिर, फूल और मेवे से हुई सजावट, गोपी की ड्रेस और धोती कुर्ता पहनकर आए भक्त। और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 68 लाख का सोना, जींस की बेल्ट में छिपाया था बैंकॉक की फ्लाइट से आया यात्री। पूछताछ में यात्री गोरखपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। और खबर देखिए, मथुरा के अंदर गिरिराज धाम पहुंचे सीएम भजन लाल शर्मा, कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पत्नी के साथ किए दर्शन। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने श्रीनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। वहीं खबर है सीतापुर से, शारदा सहायक नहर कटी, वीडियो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। 4 गांवों में घुसा पानी, हजारों बीघा फसलें हुई जलमग्न, सड़क धसने से हुआ हादसा। और आगरा से खबर है, कट्टू का आटा खाने से 8 लोग हुए बीमार एक ही परिवार के। जन्माष्टमी के मौके पर व्रत में एक ही परिवार के लोगों ने खाया था, अस्पताल में हुए भर्ती।
वहीं खबर देखिए, बरेली के अंदर डीआरएम का कहना, रेलवे हमेशा कर्मचारियों के साथ है। ओल्ड पेंशन के बदले यूपीएस पेंशन स्कीम से मिलेगा फायदा और साल 2025 से होगी ये लागू, जिसमें 2005 के बाद के सभी कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा। वहीं बरेली से एक और खबर आपको बता दें, इंस्पेक्टर राम सेवक अभी तक नहीं आया पुलिस की गिरफ्त में। अंडरग्राउंड हो चुका है या क्या हुआ? 5 दिन बाद भी बरेली पुलिस नहीं लगा सकी सुराग, फरार घोषित होने पर बढ़ेगी मुश्किलें। पुलिस को अंदेशा है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर सकता है समर्पण। आपको पता होगी, इंस्पेक्टर के बेडरूम से 9,96,000 रुपए बरामद हुए थे, जो कि उन्होंने स्मैक तस्करों को छोड़ने के बदले में वसूले थे। वही खबर देगी, लक्ष्मीपुर खीरी के अंदर गायों को तिलक लगाकर खिलाया गुड़। गायों के साथ खेलते दिखे राधा कृष्ण के बेस में बच्चे। और वाराणसी में भी आईआईटी बीएचयू में मटकी फोड़ जन्माष्टमी मनी। टेक्नो सेवियों ने बनाया पिरामिड, 25 फीट ऊपर तोड़ी मटकी, हॉस्टल में गुजा गोविंदा आलारे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सहारनपुर से 10,000 महिलाओं से ठगी करने वाला हुआ अरेस्ट। पटना में सीखा फ्रॉड करने का तरीका, ओलक्स में कर्मचारियों को दिया एड। कई राज्यों में की इसने धोखाधड़ी, ठग आरोपी के पास से 5.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं पुलिस की दबिश के दरमियान। वहीं इस वक्त की बड़ी दुखद खबर आपको बताते हैं, जहां एक तरफ देश भर के अंदर जन्माष्टमी के मौके पर माता पिता अपने बच्चों को राधा कृष्ण बना रहे थे, नवजात बच्चों को राधा और कृष्णा का नाम दे रहे थे, दूसरी तरफ बरेली में कब्रिस्तान में मिली 2 दिन की बच्ची, लोगों ने रोने की आवाज़ सुनी और उसके बाद चाइल्ड लाइन से संपर्क करके जिला अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं खबर देखिए, श्रावस्ती से भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी पुलिस अलर्ट मोड पर, पथरीले रास्तों पर बढ़ाई गई गश्त, कहा कि अवैध गतिविधियों की सूचना सुरक्षा बलों को दे। और बहराइच से खबर है, हम आपको लगातार 3 दिन से बता रहे हैं, भेड़ियों के आतंक से दहल चुका है बहराइच। ऐसे में बीजेपी विधायक भेड़िए को बंदूक लेकर मारने निकले, बहराइच में महिला को खींच ले गया था, गर्दन दबोचकर मार डाला, ड्रोन से दिखा भेड़ियों का झुंड। आपको बता दें, अब इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए नया तरीका अपनाया जा रहा है, हाथी की पोटी और पेशाब से पकड़े जाएंगे बहराइच के आदमखोर भेड़िए। आपको बता दें, बीते 35 दिनों में बहराइच के महसी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत हरदी थाना क्षेत्र के 2 दर्जन गांव में आदमखोर भेड़ियों का आतंक बना हुआ है और इलाके के लोगों के मुताबिक अब तक भेड़िया 7 बच्चों को उठाकर खा चुका है। और खबर देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी, जीवन साथी को लेकर बिना कारण पति को छोड़ना भी है क्रूरता, हिंदू विवाह की आत्मा की मृत्यु जैसा है। यानी कोई पत्नी अगर पति से तलाक लेती है तो उसका एक उचित कारण होना चाहिए। और गोरखपुर में भी आप देखिए, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव भव्य तरीके से मनाया गया, झांकियां सजी, धार्मिक कार्यक्रम हुआ, सांस्कृतिक आयोजन हुआ। जौनपुर के अंदर भी गौशालाओं में हुई गोवंश की पूजा, गायों को तिलक लगाकर गुड़ और केला खिलाया गया। और तो और, प्रयागराज में जन्माष्टमी पर जन्मे बच्चों के नाम रखे गए कान्हा और राधा। अस्पताल के अंदर डॉक्टरों ने भी मनाई कृष्ण जन्मोत्सव की खुशी और बाटी मिठाइयां। वही खबर देखिए, बस्ती से बाढ़ पीड़ितों को बसाने के लिए प्रशासन ने चलवाया बुलडोजर, 1 साल पहले डीएम ने खाली कराने का दिया था नोटिस। 37 बिस्वा भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया, जहां पर अब बाढ़ प्रभावित लोगों को बसाया जाएगा। वही खबर देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को राजनीति से रिटायर्ड होने की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि मैं आखिरी सांस तक बहुजन मिशन के लिए काम करती रहूंगी, रिटायरमेंट का सवाल ही नहीं उठता मेरे मन में। और लखनऊ से खबर देखिए, डिप्टी सीएम ने मेधावी छात्रों का किया सम्मान, 362 मेधावी छात्र छात्राओं ने किया शैक्षणिक प्रदर्शन। वही खबर है, एटा से अवैध सड़क निर्माण के विरोध में किसान उतरे अनशन पर, किसानों ने अवैध तरीके से जमीन पर सड़क निर्माण का लगाया आरोप और जताई नाराजगी। वही मथुरा से खबर देखिए, ब्रिज की माटी में लोटे कवि डॉक्टर कुमार विश्वास, मोबाइल गिरा तो बोले कि श्री कृष्ण से है मेरा डायरेक्ट संपर्क, राधा रमन बिहारी लाल की जय हो, और भक्ति में डूबते उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। फोटो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। वहीं बिजनौर से खबर है, टीचर ने छात्रों को तिलक लगाकर आने से रोका, बच्चे बोले तिलक लगाने पर मैडम मारती हैं। ऐसे में परिजनों ने इसकी शिकायत बीएसएस से की, उसके बाद टीचर को किया सस्पेंड। वहीं खबर देखिए, संबल से 5,241 साल पुराने कल्पतरु वृक्ष, देवी रुक्मणी के साथ यहीं रुके थे श्री कृष्ण और बोले कि कल की अवतार लेकर यहीं वापस आऊंगा। संबल का श्रीवंश गोपाल कल्की धाम 68 तीर्थ और 19 कूपों में शामिल है। 5,000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण किया तो उन्होंने यहाँ जंगल के अंदर कदम के वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम किया था। माना जाता है कि कदम का ही एक ऐसा वृक्ष है जिसकी परिक्रमा करने पर न सिर्फ मुरादें पूरी होती हैं बल्कि संतान प्राप्ति भी होती है। और खबर देखिए, आजमगढ़ से 29 बैंक अकाउंट से उड़ाए 2,74,00,000 रुपए, 2 लोगों को किया अरेस्ट। आजमगढ़ के साइबर ठगों का जामताड़ा से जुड़ा नेटवर्क, दाऊद और जमीरुद्दीन है गैंग लीडर। वही खबर देखिए, फर्रुखाबाद से ट्रैक के ऊपर, रेलवे ट्रैक के ऊपर लकड़ी रखने वाले संदिग्धों को पुलिस ने पकड़ा। फर्रुखाबाद में चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर सूझबूझ दिखाते हुए हादसे को टाल दिया था, मगर पूछताछ के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। और प्रतापगढ़ से खबर देखिए, सड़क किनारे मिले अगर अतिक्रमण तो जारी करें नोटिस, प्रतापगढ़ में डीएम का निर्देश, जैसे भी लेकर कार्रवाई कराएं अधिकारी। वहीं जल्दी से कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं, एक एक करते हुए आपको बताएंगे। इससे पहले एक रिक्वेस्ट और गुजारिश है, आप वीडियो को देखते तो मगर लाइक और शेयर नहीं करते हो, लाइक और शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हम आगे भी आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। ऐसे में जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करेगा अपने सभी दोस्तों मित्रों भाइयों बहनों के साथ। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें और आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले। चलिए बढ़ते हैं खबरों।
खबरों की तरफ और खबर देखिए झांसी से। झांसी के एक गांव में अब नहीं होगी कोई भी 13वीं। पंचायत के अंदर मृत्यु भोज का हुआ बहिष्कार, न कोई करेगा और न ही इसमें शामिल होगा। मृत्यु भोज के बजाय गरीबों को दान करेंगे या फिर पुण्य आत्मा की स्मृति में जनहित का कोई काम करवाएंगे, ये निर्णय लिया खुली पंचायत में रेवन गाँव में। और खबर है इटावा से, 24 घंटों के अंदर एक ही परिवार के दो मासूम भाई बहनों की गई जान, तीसरे की भी हालत नाजुक है। स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप, आखिर ये कौन सी बीमारी कौन सा वायरस है, अभी तक डॉक्टरों की पहुंच से भी है बाहर। वहीं अमरोहा से खबर देखिए, यूकेजी की छात्रा को हार्ट अटैक से गई जान, स्कूल की छुट्टी के बाद निकलते ही गिरी मासूम और हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर किया, जहां डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से की मौत की पुष्टि। इतनी छोटी बच्ची को आखिर कैसे आ सकता है अटैक। साथ ही खबर है वाराणसी से, सड़क पर मकान का मलबा रखने पर लगेगा अब जुर्माना। नगर आयुक्त ने पीडब्ल्यूडी, रेलवे और छावनी सहित विभिन्न संस्थानों को लिखा पत्र और जारी किए निर्देश। वहीं अगली खबर है कानपुर से, 2 सितंबर से खोजे जाएंगे कुष्ठ रोगी, घर घर जाएगी स्वास्थ्य विभाग की टीम और करेगी स्क्रीनिंग। और चंदौली से खबर देखिए, ट्रैफिक पुलिस का अभियान, 22 से 25 अगस्त तक 979 वाहनों के हुए चालान, जिसमें से 15,57,000 रुपए की जुर्माना वसूली हुई। और गौतम बुद्ध नगर में भी ओवरलोड वाहनों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 11 वाहनों को सीज किया और 11 लाख से ज्यादा रुपए का लगाया जुर्माना। वहीं खबर देखिए, कानपुर के अंदर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन, जिसमें 110 लोगों ने 110 यूनिट रक्तदान किया। एएमआरसी की मेडिकल डायरेक्टर ने कहा कि हर 3 महीने में ब्लड देने से व्यक्ति रहता है स्वस्थ। और आगरा से खबर देखिए, साइबर क्रिमिनल ने बैंक कर्मचारी महिला से ठगे 25 लाख रुपए, वीडियो को लाइक करवा कर पैसे कमाने का दिया झांसा, पहले खाते में डाले रुपए और फिर किया फ्रॉड। और प्रयागराज गाजियाबाद से खबर देखिए, पनगट पर नहाती महिलाओं के वीडियो बनाने पर हाईकोर्ट हुआ नाराज, प्रमुख सचिव से मांगा जवाब, पुलिस को लगाई फटकार। गाजियाबाद के अंदर महंत ने लगवाया था कैमरा, यानी कि कोई भी माताएं बहने अगर घाट के ऊपर डुबकी लगाने आती हैं तो उनका वीडियो न बनाया जाए। और खबर देखिए, बिजनौर से, शिकार की तलाश में आया गुलदार पिंजरे की कैद में, 25 लोगों की अब तक ले चुका है जान, वन विभाग की टीम ने छोड़ा जंगल में। वहीं खबर है कानपुर से, सीसामऊ उपचुनाव में बिगुल फूकेंगे मुख्यमंत्री, चुनाव से पहले देंगे विकास कार्यों की सौगात, GIC मैदान में कर सकते हैं जनसभा को संबोधित। और लखनऊ से खबर देखिए, देश भर में 4 लाख फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाला हुआ अरेस्ट, UPATS ने लखनऊ से इसे किया गिरफ्तार, वीडियो की ID से बनाए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, और यूपी में ही नहीं बिहार तक गैंग तैयार कर ली थी। इस मामले में पहले भी 7 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिस पर 25,000 का था इनाम। वहीं खबर देखिए, झांसी के अंदर पुलिस भर्ती परीक्षा में 3 नकलची पकड़े गए, बिहार के 2 अभ्यर्थी आंसर की बदल कर नकल कर रहे थे और एक तो ब्लूटूथ डिवाइस लेकर पहुंच गया। वहीं सीतापुर से खबर है, नदियों का जलस्तर घटा तो कटान में आई तेजी, सीतापुर में 24 घंटे में 50 बीघा जमीन नदी में समा गई, 20 सेंटीमीटर घटी सरयू नदी। और सिद्धार्थ नगर के अंदर भी सांसद जगदम्बिका पाल ने बाढ़ पीड़ितों का जाना हाल और बोले कि सरकार हर संभव मदद को है तैयार, आपको मुआवजा दिया जाएगा। वहीं खबर देखिए, सीतापुर में नहर में बह गई 20 फीट सड़क, 4 गांव में घुसा पानी, अखिलेश बोले सरकार नींद से जागे। इसी के साथ कुछ और मौसम समाचार से आपको अवगत कराते हैं। लखीमपुर के अंदर युवक को नदी में घसीट ले गया मगरमच्छ, नदी में नहीं उतर पाए गोताखोर, मगरमच्छ के डर से आसपास काबिंग कर रही है टीम। यूपी के अंदर बाढ़ में क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 5 करोड़ का मुआवजे का ऐलान, प्रभावितों को 20 लाख रुपए की सहायता राशि की वितरित, यूपी सरकार ने किया ऐलान। यूपी के मौसम समाचार आपको बता दें, अभी और बरसेंगे बादल, चलेगी तेज हवाएं, IMD का अलर्ट जारी, रह रहकर मौसम ले रहा है करवट, कभी धूप कभी छांव और कभी हो रही है तेज बारिश। यूपी में मानसून ने चाल बदल ली है, जोरदार बारिश और बिजली गिरने की संभावना 30 से ज्यादा जिलों में जारी हुई है। 31 अगस्त तक बारिश का दौर जो वो जारी रहेगा, मौसम की मार और हर तरफ हाहाकार, अकेले यूपी में ही नहीं गुजरात से लेकर राजस्थान तक बारिश का तांडव मचा हुआ है। वहीं खबर देखिए, संबल से, सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर उपलब्ध कराने का झांसा देकर ठगी की कोशिश, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। और एटा से खबर है, 4 व्यक्तियों को निकला डेंगू पॉजिटिव, बुखार के 6 अन्य मरीज भी भर्ती, वार्ड के अंदर मरीजों की है फुल भरमार। वहीं खबर है, दिल्ली हावड़ा के बीच वाराणसी होकर चल सकती है बुलेट ट्रेन, 2 चरणों में होगा इसका काम पूरा, 2029 तक जो बुलेट ट्रेन चलने की बन रही है संभावना। वहीं यूपी के कानपुर से खबर देखिए, नगर निगम में अफसरों और बाबुओं में बढ़ता था घुसखोरी का पैसा, अपर नगर आयुक्त के PA ने किया बड़ा खुलासा, बेलदार के बेटे की शिकायत पर विजिलेंस ने जाल बिछाकर कार्यालय से अपर नगर आयुक्त के PA को घूस लेते पकड़ा था। आरोपी ने पूछताछ में कई और नामों का किया खुलासा, जिसमें अफसर से लेकर बाबू तक है शामिल। वहीं खबर देखिए, मिर्जापुर के अंदर भी पुलिस भर्ती परीक्षा के फर्जी पेपर बेच रहे थे सोल्वर, अभ्यर्थियों से कर रहे थे ठगी, गिरोह के 4 लोग हुए गिरफ्तार। और ऐसी ठगी हुई ट्रेन के अंदर भी, टिकट चेक कर रही थी एक लेडी TTE, हालांकि वो TTE थी नहीं, वो एक फर्जी TTE थी, यात्रियों को हुआ शक तो RPF को की शिकायत और फिर RPF ने किया गिरफ्तार। और खबर देखिए, कानपुर के अंदर यूपी पुलिस ही बन गई किडनैपर, नाबालिग का किया अपहरण और फिर मांगी 50,000 की फिरौती, दरोगा सहित 4 पुलिस कर्मियों पर FIR दर्ज। वहीं खबर देखिए, यूपी में जल्द लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, 2005 के बाद के सभी राज्य कर्मचारियों को दिया जाएगा NPS की तरह UPS का लाभ। और यूपी के आंगनबाड़ी केंद्रों में रखे जाएंगे एजुकेटर,
जिसे मिलेगा 10,000 का मानदेय और उनकी संविदा अवधि होगी 11 महीने की। हालांकि एजुकेटर के लिए आवश्यक योग्यता स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना है। और देखिए यूपी के अंदर 67 जिलों में 5 दिनों का छुट्टियों का अवकाश घोषित। स्कूली बच्चों की हुई मौज, 31 अगस्त तक रहेगी छुट्टियां, पुलिस भर्ती परीक्षा के चलते। वहीं खबर है बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए सभी हितधारकों के साथ चर्चा की जाएगी, सीएम योगी का ऐलान। मथुरा के अंदर बोले कि कॉरिडोर में मल्टी लेवल पार्किंग, व्यावसायिक स्थान की व्यवस्था कराने पर दिया जाएगा जोर। हालांकि इससे पहले स्थानीय निवासियों से ली जाएगी परमिशन। और खबर देखिए जहां चुनाव वहां रोजगार, उपचुनाव जीतने के लिए योगी सरकार का ये कैसा फॉर्मूला। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। अगले हफ्ते 4 सीटों पर रोजगार मेला लगाया जाएगा और ये रोजगार मेले उन्हीं इलाकों में लगाए जा रहे हैं जहां उपचुनाव होने वाले हैं। इन रोजगार मेलों के तहत लगभग 30,000 युवाओं को दी जाएगी नौकरी। वहीं खबर देखिए महाकुंभ 2025 को लेकर प्रयागराज के नगर देवता श्री वेणी माधव के मंदिर का कायाकल्प करेगी अब योगी सरकार और लगभग 200 करोड़ की धनराशि करेगी खर्च। और खबर देखिए बॉलीवुड से, आमिर खान का रोते हुए कहना है कि एक्टिंग ने मुझे परिवार से दूर कर दिया, बच्चों का बचपन नहीं लौटेगा, मम्मी के साथ समय नहीं गुजार पाया, बीते 30 सालों में मैंने सिर्फ पैसा ही कमाया। और यही कहते हुए 56 साल की उम्र में उन्होंने फिल्में छोड़कर परिवार को वक्त देने का फैसला किया है। वहीं खबर है लखनऊ के अंदर तिरंगे के साथ निकला चहलुम का जुलूस, हजरत इमाम हुसैन का ताबूत चूमते नजर आए लोग, 1 क्विंटल ड्राई फ्रूट से बना था अलम। वहीं खबर देखिए भारत पाकिस्तान के बीच 6 अक्टूबर को खेला जाएगा हाई वोल्टेज मैच T20 वर्ल्ड कप में। टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल हम आपको दिखा रहे हैं। और खबर है टीबी की जांच अब महज 2.5 घंटे और ₹35 में होगी। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च ने तैयार की नई तकनीक। और अंतिम अपडेट है, एक अध्ययन में हुआ बड़ा खुलासा, भारत के बड़े इलाकों में जंगलों को फिर से बढ़ाने का दिखा लाभ, जलवायु परिवर्तन में 80% तक हुआ सुधार। ये बहुत ही अच्छी बात है पर्यावरण को लेकर के। इसी के साथ इस वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले अपने सभी दोस्तों मित्रों भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और रोचक जानकारी पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।